सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। बहुभुजे आज आपके बहुभुजे कक्षा 8 गणित है तो चट्टा जो लेसन है आपके चट्टी जो प्रश्नावली उसका नाम है बहुभुज। आप देखो बहुभुज होता क्या है, बेसिक चीजें समझ लो इनके बारे में तो प्रश्नावली में आपको समस्या नहीं आएगी। बहु देखो बहु मतलब क्या होता है अनेक, बहु मतलब क्या होता है अनेक और भुज मतलब क्या होती है भुजाएं। क्या होती है जिस आकृति में अनेक भुजाएं हो वो क्या कहलाता है बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बहुभुज। अनेक भुजाएं मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भुजाएं हो सकती है तो वो क्या कहलाएगा आपके बहुभुज। देखो एक भुजा से तो आकृति बनेगी नहीं, ठीक है, एक भुजा से तो आकृति बनेगी नहीं, दो भुजाओं से आकृति बन तो जाती है लेकिन बंद आकृति नहीं बनती है, ठीक है, और तीन भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है त्रिभुज, कौन सी आकृति बनती है त्रिभुज, और चार भुजाओं से वर्ग आयत इसे बोलते हैं हम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं चतुर्भुज। और पांच भुजाओं से पांच भुजाओं से बनता है उसे क्या बोलते हैं पंचभुज। क्या बोलेंगे पंचभुज। और छह भुजाओं से क्या बनेगा षष्ठभुज। और आठ भुजाओं से अष्टभुज। नौ भुजाओं से नौ। तो ये सबके सब क्या है बहुभुज। ये सबके सब क्या है ऐसी आकृतियां जिसमें अनेक भुजाएं हो वो कहलाता है बहुभुज। क्या कहलाता है बहुभुज। तो जैसे ये आपके त्रिभुज, ये क्या है आपके त्रिभुज, ये भी क्या है एक बहुभुज है, ये भी क्या है बहुभुज, ये त्रिभुज के बाद आता है आपके चतुर्भुज। क्या है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के बाद आता है आपके पंचभुज। क्या आता है पंचभुज, ठीक है, और पंचभुज के बाद ये क्या है आपके षष्ठभुज। ये क्या है षष्ठभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज के बाद आता है अष्टम सप्तम नवम जितने भी हो और लगा दो नाम और ये आपको नाम याद रहेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है सम बहुभुज। क्या होता है सम बहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। क्या होता है विषम बहुभुज। दो प्रकार के होते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज। अब देखो सम बहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो तो कहलाएगा सम बहुभुज। क्या कहलाएगा जिसकी सभी, जैसे ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं अगर बराबर हैं वो कहलाता है सम बहुभुज। क्या कहलाता है अगर भुजाएं अलग अलग है वो क्या कहलाएगा, जैसे ये पांच किया जाए ये चार किया जाए ये तीन किया जाए तो क्या कहलाएगा विषम बहुभुज। अगर सभी भुजाएं समान है तो सम बहुभुज और सभी भुजाएं असमान है तो विषम बहुभुज। आगे सुनने अब इसके बाद और होते हैं, एक तो होता है उत्तल बहुभुज। क्या होता है उत्तल बहुभुज, तुम्हारे ये साल किताब में ये दे रखा है उत्तल बहुभुज, ठीक है ना। और एक होता है अवतल बहुभुज, कौन सा अवतल बहुभुज। अब देखो उत्तल बहुभुज क्या होता है जिसके कोणे बाहर निकल रहे हो, जिसके कोणे बाहर की तरफ हो वो तो होता है उत्तल बहुभुज, और जिसके कोणे अंदर की, जिसका एक कोणा अंदर की तरफ हो या एक या दो या एक ही होगा, एक कोणा अंदर की तरफ हो तो क्या होता है अवतल। अब देखो ये आकृति में ये सब कोणे बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, मतलब कौन सा बहुभुज है उत्तल। ये कौन सा बहुभुज है उसके भी कोणे बाहर है, कौन सा बहुभुज है वो भी कौन सा है वो भी कौन सा है सभी में कोणे बाहर, कोणे मतलब ये सब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है सब में कोणे, मतलब कौन से बहुभुज है उत्तल बहुभुज। अब देखो अवतल बहुभुज किसे कहते हैं जिसमें एक कोणा किधर हो अंदर की तरफ, किधर हो जैसे मान लो आकृति ऐसी, ये आकृति आपके ये वाली, ये देखो क्या है ये पंचभुज है, एक दो तीन चार पांच कितनी भुजाएं हैं पांच, मतलब क्या है ये पंचभुज, क्या है पंचभुज है। अब इसमें देखो ये एक कोणा किधर है अंदर, किधर है अंदर, मतलब कौन सा बहुभुज है अवतल बहुभुज, कौन सा बहुभुज है अवतल। जैसे आकृति ऐसे भी हो सकती है ऐसे, बताओ कौन सा बहुभुज है अवतल, मतलब जिस बहुभुज में एक कोणा अंदर की तरफ हो क्या कहलाता है अवतल बहुभुज। क्या कहलाता है उत्तल और अवतल,
अवतल में क्या होगा, जो कोण अंदर की तरफ होगा ना उसका कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, उसका कोण 180 डिग्री से क्या होगा ज्यादा। तो अगर लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी, तो बनता है 180 डिग्री कोण। कितने डिग्री कोण बनता है 180। लेकिन ये लाइन अगर ऐसे हो गई तो ये वाला जो कोण ये ज्यादा हो जाता है, तो 180 डिग्री से ज्यादा आ गया अगर एक कोण, तो वो कौन सा बहुभुज हो जाएगा, अवतल बहुभुज। और अगर 180 से कम आया या 180 आया तो वो कौन सा बहुभुज हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। आगे समझ में, ये तो समबहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, विषम बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं हो, अवतल बहुभुज जिसके सभी कोने बाहर हो, अवतल बहुभुज जिसका एक कोना कहाँ हो, अंदर की तरफ हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके देखो इनके अंदर बनने वाले कोणों का योग, त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग, चतुर्भुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग, पंचभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग और षट्भुज के अंदर बनने वाले कोणों का। देखो ये त्रिभुज है, ये इसका कोण, ये भी इसका कोण और ये भी इसका कोण, और चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, चार कोण, त्रिभुज में तीन कोण, पंचभुज में पांच कोण और षट्भुज में छह कोण होंगे। अब इनके अंदर कितने कितने डिग्री के कोण बनते हैं वो देखो, सबसे पहले देखो त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360, चारों कोणों का योग, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, और पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540, कितना होता है 540, और पंचभुज के सभी कोणों, षष्ठभुज के सभी कोणों का योग 720, कितना होता है 720। अब देखो अगर तुम्हें ट्रिक याद रखनी है तो कैसे, 18 का पहाड़ा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72 और आगे आएगा तो 18 पंजो, आगे वाले का कितना होगा 900, कितना होगा 900। 18 का पहाड़ा याद कर लो, 18 उसके पीछे क्या लगाते जाओ, 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 पंजो 90, फिर आगे बढ़ जाएगा ऐसे, 108 होता है, 1080 हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षष्ठभुज के, सप्तमभुज के, अष्टभुज के, आगे बात समझ में, ऐसे पहाड़ा याद कर लो और उसके पीछे जीरो लगा दो और आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ये तो टेक्निक है, अपनी ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से, ठीक है ना। लेकिन मान लो तुम्हें ट्रिक याद नहीं है, जैसे याद भूल जाओ, फिर सूत्र भी होता है, सूत्र के माध्यम से हम निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र है आपके सभी अंत कोणों का योग याद करने का, सभी अंत कोणों का योग कैसे याद करते हैं, सभी अंत कोण कोई से भी आ सकती हो। इसके लिए सूत्र होता है n-2 into 180, क्या सूत्र होता है n-2 into 180, यहाँ पर n का मतलब है कोण, कितने कोण है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कितने कोण है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे आपसे कहा जाए कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग बताओ, तो चतुर्भुज में कितने कोण है, चार, इनकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस कितना, 2 into कितना 180, बताओ 4 में से 2 गया तो इंटू कितना, 180 को 18 दूनी 36, कितना आ गया 360। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि षष्ठभुज का करो, किसका करो, षष्ठभुज का, एन का षष्ठभुज में कितने कोण है 6, इनकी जगह कितना आएगा 6, माइनस का 2 और गुणा में कितना 180, बताओ 6 में से 2 गया तो 4 into कितना 1, 0 का तो 0, 18 तो कितना होता है 72, आगे देखो 720। तो मान लो या तो ऐसे याद रह जाएंगे, ये तो अपनी ट्रिक है, अगर ऐसे याद रहे तो सूत्र से निकालेंगे, सूत्र क्या होता है n-2 into 180, निकालोगे ये तो होता है सभी अंत कोणों का योग, क्या होता है सभी अंत कोणों का योग। अगर मान लो आपसे अलग अलग पूछे प्रत्येक अंत कोणों का योग बताओ, ये तो सबका जोड़ के बता दिया, अब मान लो इसका अलग पूछे, इसका अलग पूछे और इसका अलग पूछे, तो वो कितना होता है। लेकिन ये तभी करोगे जब वो बहुभुज कौन सा हो, सम बहुभुज, कौन सा बहुभुज हो, सम बहुभुज हो, विषम बहुभुज है तो हम प्रत्येक कोण उसका ज्ञात नहीं कर सकते, केवल कौन से बहुभुज का कर सकते हैं, सम बहुभुज का। तो यहाँ लिखेंगे देखो सूत्र दूसरा, सम बहुभुज,
समबहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक अंतर कोण का मान कैसे निकालते हैं? समबहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण का मान। अब देखो समबहुभुज होता क्या है, समबहुभुज बताया मैंने अभी, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान, समबहुभुज कहलाता है। अब देखो समबहुभुज का अंतर कोण कैसे निकालते हैं, यही सूत्र है, एन माइनस दो इंटू 180 और बाग में लेना है आपको एन, क्या लेना है, एन लगाना है केवल बाग में। अब देखो कैसे निकाल के बताते हैं आपको, जैसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज के सम त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज कैसे बोलेंगे, समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतर कोण का मान बताओ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतर कोण का मान बताना है, तो ये सूत्र लगाइए, बताओ त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो यहाँ एन दीजिए कितना जाएगा, तीन माइनस दो इंटू कितना 180 और बाद में एन का मान कितना, तीन। बताओ तीन में से दो गया तो एक को 180 से गुणा किया तो इसमें बाद किसका लगाएंगे, 36 कितना गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, लेकिन ये तभी ज्ञात करोगे जब सभी भुजाएं कैसी हो, समान। आगे चीजें समझ में, दो सूत्र याद रखने, एक तो ये वाला और एक ये वाला काम आएगा इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। और एक चीज और, हाँ एक और देख लो लास्ट में, ये तो अंदर वाले कोणों की बात, अब करते हैं बाहर वाले कोणों की बात, बहिष्कोण जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें तो बोलते हैं अंतः कोण और उन्हें बोलते हैं बहिष्कोण, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। अब देखो बहिष्कोण, देखो जैसे मान लो ये क्या है आपके त्रिभुज, क्या है, ये मैंने लाइन इधर बढ़ा दी तो यहाँ ये बन गया बहिष्कोण, इधर मैंने यहाँ बढ़ा दी तो यहाँ क्या बन गया, बहिष्कोण, और इधर मैंने यहाँ बढ़ा दी तो यहाँ भी क्या बन गया, अब इन बहिष्कोणों का जो योग होता है ना, वो होता है आपके 360 डिग्री, कितना होता है 360, चाहे आकृति कोई सी भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षट्भुज हो, सभी कोई सी भी आकृति हो दुनिया में, बहिष्कोणों का योग सबका कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है, जैसे मान लो ये आपके पंचभुज, जैसे ये आपके पंचभुज है, ठीक है ना, ये पंचभुज है, अगर मान लो कहा जाए कि पंचभुज के बहिष्कोण, ये वाला बहिष्कोण, ये बहिष्कोण और ये वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहिष्कोण, इधर ये इसको बढ़ा दो ये वाला क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, और यहाँ बढ़ा दो इसको ये वाला क्या हो जाएगा, उनसे कहा जाए कि सभी बहिष्कोणों का मान बताओ तो कितना होता है 360 डिग्री। आगे सारी चीजें समझ में, उतारो पहले फिर करेंगे।